आज मैं आपको फोटोशॉप के अंदर किराना दुकान का कैसे हम लोग बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं, सिंपल सा, चाहे वो बैनर हो चाहे फ्लेक्स हो, सिंपल सा डिज़ाइन मैं आपको करके बताऊंगा कैसे करेंगे, साइज के साथ बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन आपको बैनर दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर लिखा है श्री गणेशाय नमः, लोकप्रिय किराना एंड जनरल स्टोर दिया हुआ है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें देखिए किराना दुकान में जो जो आइटम्स रहते हैं वो सब देखिए यहाँ पे उसका तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ तस्वीर लगे हुए हैं, इधर राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, प्लस सिंपल सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जो दुकान के ऊपर में इस तरह से देखिएगा बैनर लगे हुए रहते हैं, फ्लेक्स लगे हुए रहते हैं, तो इस तरह आप भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये आता है कि ये वाला जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर लगे हुए हैं देख सकते हैं, जो ग्रॉसरी के तस्वीर है, अगर गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा ग्रॉसरी नाम से तो मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन देखिएगा हो सकता है आपको PNG फॉर्मेट ना मिले। PNG कहने का मतलब जिसका बैकग्राउंड ना रहे। तो इस तरह का डिज़ाइन आपको कहाँ मिलेगा, इस तरह का तस्वीर आपको किस जगह मिलेगा? तो देखिए मैंने उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ दे रखा है, और उस वेबसाइट का नाम मैं फिर से आपको बोलना उचित समझूंगा। वो वेबसाइट का नाम है www.freepngimg.com। इस वेबसाइट, सिंपल सा एक वेबसाइट है, वहाँ जाइएगा, सिंपल सा, ना कोई ईमेल मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, सिंपली सर्च बॉक्स में आपको सिर्फ टाइप कर देना है कि किस टाइप का आपको PNG इमेज चाहिए। आपको सिंपली लिख देना है ग्रॉसरी, लिख देना है ग्रॉसरी, GROCERY लिख देना है, बस। आपको इस तरह के बहुत सारे तस्वीर आपको मिल जाएंगे जो आपको काम करने में बहुत आसानी होगा, नहीं तो आप इसको कटिंग कीजिएगा, बैकग्राउंड हटाइएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सिंपल है, और सिंपली ये जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है वो हिंदी फॉन्ट है, कृति देव फॉन्ट यूज़ किया है, और प्लस नॉर्मली एक बैकग्राउंड मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर ही बनाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सिंपल सा डिज़ाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग किराना या जनरल स्टोर का इस तरह का बैनर कैसे बनाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूं, और जो भी फ़ोटोशॉप का वर्सन आपके पास है, चाहे फ़ोटोशॉप 7.0 है, चाहे वो लेटेस्ट वर्सन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। और मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत ही सिंपल बताऊंगा, आपको डीप नॉलेज नहीं भी है फ़ोटोशॉप में तो भी आप कर पाइएगा। तो फिलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7 का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए फ़ोटोशॉप 7 का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन, महंगे महंगे लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, PC नहीं है, तो सिंपल सा नॉर्मल कंप्यूटर में भी आपका फ़ोटोशॉप 7.0 जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक पेज लेंगे, यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करेंगे, और न्यू का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। तो नॉर्मली जैसे एक नाम दे देते हैं हम लोग, अगर नाम देना है, देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको किराना लिख देता हूँ, किराना लिख दिया, किराना स्टोर या दुकान कर देता हूँ। ये देखिए नाम दे दिया किराना दुकान, सिंपल सा नाम दे दिया। अब रहा सवाल साइज का, तो देखिए जो मैंने साइज यहाँ पे ले रखा है, जब खुद का साइज लेना होता है तो यहाँ से हम लोग कस्टम सिलेक्ट करते हैं। अगर कस्टम नहीं आ रहा तो नॉर्मली जब यहाँ पे आप चेंज कीजिएगा ऑटोमेटिकली, अब जो खुद का साइज लीजिएगा, जो यहाँ पे साइज दिया हुआ है, अगर इससे अलावा अगर आप साइज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा कस्टम आ जाता है। अब साइज मैंने इंचज़ में ले रखा है, देखिए यहाँ पे 96 इंचज़ लिया है, चौड़ाई 96 इंची लिया है, क्यों लिया बताता हूँ, और हाइट मैंने 24 इंची, मैंने यहाँ पे 8 फीट बाय 2 फीट का मैंने साइज एक बैनर किराना दुकान का साइज मैंने ले रखा है। अब 12×8=96 होता है, 96 होता है, और 12×2=24 होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया, इंचेस में ले लिया। रिजोल्यूशन मैंने 72 मिनिमम रखा है क्योंकि बहुत बार हैंग करता है बहुत ज़्यादा बड़ा लेने से, तो आप कम से कम 300 रखें, और ज़्यादा जितना रिजोल्यूशन रखिए क्वालिटी थोड़ा अच्छा आएगा। दूसरी बात क्या है, साइज़ थोड़ा सा फाइल का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे मोड, अगर प्रिंट आउट आपको करना है तो CMYK के आपको रखना होगा। तो फिलहाल मैंने काम के लिए अभी इसको प्रिंट आउट करने के लिए नहीं रखा, इसलिए सिंपली मैंने RGB यहाँ से चूज़ करके रखा है। मैं इसे सोशल मीडिया में भी शेयर करूँगा इसलिए मैंने RGB रखा है, लेकिन प्रिंट आउट जब करना हो तो आप CMYK, आप यहाँ से CMYK चूज़ कर लीजिएगा। ये हो गया, कम से कम 300 रखिएगा, मैंने 72 रखा है, क्यों रखा है मैंने तो आपको बता ही दिया। अब जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखा है। अब नॉर्मली ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए 8 फीट बाई 2 फीट का यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे पेज यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देखिए किराना दुकान लिखा हुआ है। अब रहा सवाल बैकग्राउंड, तो यह हो सकता है कोई, अगर पहले से आपने गूगल से डाउनलोड करके कोई बैकग्राउंड आपने रखा हुआ है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपल सा मैं नॉर्मली मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेयर का पैलेट है देख सकते हैं। अब यहाँ से एक नया लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक नया लेयर यहाँ पर क्रिएट कर लिया।
अब करना क्या है, अपना बैकग्राउंड एक अच्छा सा बनाना है। तो अपना खुद का बैकग्राउंड बनाने के लिए सिंपल सा एक तरीका क्या है, यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो यहाँ से जो भी ग्रेडियंट किस टाइप का बनाना है, बीच से आपको रेडियल मतलब बीचों बीच अगर रेडियल ग्रेडियंट बनाना है कि लीनियर, तो आपको लीनियर चूज़ करना है और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये छोटा सा बटन डाउन पॉइंटिंग करता हुआ तो दिखेगा, तो इसमें देखिए कुछ यहाँ पे ग्रेडियंट बने बनाए रहते हैं। तो हो सकता है आप जब खोले होंगे तो हो सकता है इस तरह का डिज़ाइन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस तरह का डिज़ाइन आपको दिखता होगा। लेटेस्ट वाला में तो बहुत सारा डिज़ाइन रहता है जो 7.0 में, तो इसको रीसेट कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर दिया। अब इस तरह आपको डिज़ाइन देखा, तो इसमें से अगर पसंद आपको नहीं आता है, एक्स्ट्रा आपको ग्रेडियंट लेना है, तो यहाँ पर ये जो डबल राइट हैंड साइड में पॉइंटिंग करता हुआ दो दिखाई दे रहा एरो नुमा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से अब अलग अलग जैसे मुझे मेटल चाहिए तो मेटल को सिलेक्ट किया और अपेंड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेटल का यहाँ पे डिज़ाइन आ चुका है, ग्रेडियंट आ चुका है। गोल्ड वाला है देखिए, यहाँ पे ब्रास वाला, तो जो आपको यूज़ करना है, जो गोल्ड मैंने गोल्ड लिया था, ब्रास भी लिया था एक बार, तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ से नहीं और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर अपेंड कर दीजिएगा, इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब रहा सवाल मुझे ये वाला लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और अपने पेज पे क्लिक करके, और ये वाला याद रखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये वाला चूज़ करना है, नॉर्मल ओपेसिटी बस ये करना है। अब नॉर्मली इस तरह आपको ड्रैग कर देना है, इस तरह टान देना है। अब देखिए इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आ चुका है, सिंपल सा एक डिज़ाइन यहाँ पे आ चुका है। आप इधर से टान कीजिएगा, रिवर्स कीजिएगा, उल्टा तरफ से आएगा, ये हो गया। अब करने के बाद अब रहा सवाल फ़ोटो, पहले फ़ोटो ही लगा देते हैं, तो फ़ोटो लेकर आते हैं, तो यहाँ फाइल में जाते हैं। अब यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे हम लोग, ओपन पे क्लिक किया मैंने, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब देखिए जिस जगह भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ, चाहे वो डाउनलोड का फोल्डर में हो या कोई पर्टिकुलर फोल्डर में अलग से नाम देके आपने रखा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में रखा है, आप यहाँ से वो जा सकते हैं। तो मेरा डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है, तो उसी के अंदर मैंने रखा हुआ फॉर फ्री PNG नाम से एक फोल्डर है, उसी में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फ्री PNG यहाँ फोटोज है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ग्रॉसरी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉसरी नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा देखिए यहाँ पे तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब मैंने वहीं से आपको देखिए, जैसे ग्रेन नाम से ये PNG है, जो अनाज होता है उसका भी तस्वीर है, किराना दुकान में आपको अनाज मिल ही जाएगा, आटा चावल दाल ये सब भी मिलता है, तो यहाँ पर ग्रेन है। तो आप ग्रॉसरी लिखिएगा तो ये सब मिल जाएगा, ये सब ग्रॉसरी का ही देखिए तस्वीर है, जिस वेबसाइट www.freepngimg.com यहाँ पे जाकर सिंपली आप टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा ग्रॉसरी। इसमें क्लिक करेंगे देखिए इसका PNG फॉर्मेट में, सबसे अच्छी बात यह है इसका बैकग्राउंड नहीं है। देखिए अब ओपन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, देखिए बैकग्राउंड नहीं है। सिंपली आपको कटिंग वुटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसको ड्रैग करके इसमें मैं पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, ये वाला नहीं चाहिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद इसको कंट्रोल टी करके आप इसको इस तरह मैं इसको लगा देता हूँ, सिंपल देखिए खूबसूरत से, जो किराना दुकान में इस तरह होना चाहिए तस्वीर, क्योंकि दुकान वगैरह जो भी आप जिस रिलेटेड डिज़ाइन बना रहे हैं उस रिलेटेड अगर तस्वीर रहता है तो ज़्यादा आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है। उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए सिंपल सा खूबसूरत सा यहाँ पे तस्वीर आ चुका है, ये लग गया। अब तस्वीर एक यहाँ लगाते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, एक और तस्वीर लेकर आते हैं जो मैंने यूज़ किया है, वो तस्वीर मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रॉसरीज लिखा हुआ है, देख सकते हैं पिक्चर फ्री ट्रांसपेरेंट इमेज लिखा है, ओपन पे क्लिक किया, हो गया। देखिए सिंपल सा देखिए यहाँ पे सारे ग्रॉसरीज में जो जो सामान सब चाहिए होता है यहाँ पे आपको मिलेगा, सिंपल बैकग्राउंड नहीं है, सिंपली आप इसको ड्रैग करके अपने पेज पे जाके रख दीजिए, ये आ गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद कंट्रोल टी करके यहाँ से एडिट में जाके, यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स, इसको ऑन रखिएगा तो ये जो स्केलिंग का आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है ये आपको मिल जाएगा, इसको आपको सिंपली ऐसे ड्रैग कर देना है। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, सिंपल सा, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, सिंपल सा ओके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए लग गया है यहाँ पे, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इधर तो हो गया, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए सिंपल सा देखिए आपको डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा खूबसूरत सा देखिए एक डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है। उसके बाद एक फ़ोटो यहाँ भी लगा देते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद ये वाला फ़ोटो मैंने ग्रॉसरी का यूज़ किया था, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए तस्वीर यहाँ पे देखिए सब तेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसको ड्रैग करके अपने पेज में ले जाकर छोड़ देते हैं, ये देखिए सबका देखिए बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल है, बैकग्राउंड है ही नहीं इसका। तो ये फ़ायदा है इस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट का मैंने लिंक दे रखा है वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कीजिएगा,
इजी है ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया खूबसूरत से। यहाँ पे आपको बाद में सेटिंग करेंगे, पहले यहाँ पे सेट कर दिया कि ये सब ये से मुझे लगाना है तस्वीर को, लगा दिया। इसको थोड़ा सा और साइड कर देते हैं, ये देखिए सब लग गया है। अब सिंपली इसमें लिखना है, बस हो गया। अब आपको लगता है नहीं फ़ोटो थोड़ा सा डल लग रहा है भाई, थोड़ा सा और खिला हुआ आना चाहिए, तो फ़ोटो पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, यहाँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करें, यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा खिल के ये फ़ोटो तस्वीर सामने आ जाएगा। देखिए ओके कर दिया। उसी तरह इसको भी क्लिक करके यहाँ से आप इमेज में जाएँ, एडजस्टमेंट में जाएँ, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करें, उसके बाद थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ये देखिए थोड़ा सा क्या है मैं प्रोडक्ट थोड़ा सा खिला खिला नज़र आएगा। देखिए इसी तरह इसमें भी क्लिक कर दें, इसमें भी थोड़ा सा इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, ब्राइटनेस में कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करें, इसका भी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, बहुत बड़ा फोटो थोड़ा डल रहता है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देने से फोटो का देखिए खूबसूरती बढ़ जाता है। तो जिस लेयर में जो जो तस्वीर है उसी लेयर पर्टिकुलर सिलेक्ट करें, जैसे इसमें मुझे काम करना है तो उस लेयर पर क्लिक करें और उसके बाद उसका जो भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा दें। हो गया। अब यहाँ पर सिंपली मुझे वो लिखना है। अब लिखने का काम मैंने पहले से ही लिख रखा है, थोड़ा सा हिंदी में लिखने में मैं तो स्लो हूँ टाइप करने में, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे देखिए लिख के रखा हुआ है। लोकप्रिय देखिए यहाँ पे किराना, यहाँ पे देखिए एंड जनरल स्टोर लिखा हुआ। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, ये जो फॉन्ट है कृतिदेव फॉन्ट है, सिंपली इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज़ किया, अपने पेज में आया, फोटोशॉप में आया, यहाँ से ऊपर वाला लेयर है उसको सिलेक्ट किया, एक लेयर और मैं ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक लेयर बनाया, ये जो टेक्स्ट टूल है हॉरिजेंटल टाइप टूल, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस जगह पे एडिट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एरियल फॉन्ट है, तो जो फॉन्ट यहाँ पे रहेगा ये शो कर रहा है, अब इसका फॉन्ट चेंज करना होगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कौन सा फॉन्ट है भाई, कृतिदेव, तो कृतिदेव ढूंढना होगा, यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे जाते हैं हम लोग, मंगल है आई जे के, ये देखिए कृतिदेव, यहाँ पे कृतिदेव 050 है, 040 है, 040 है, 010 है, तो 010 पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको क्लिक किया मैंने, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं स्केलिंग कर देता हूँ, ये सिंपल सा देखिए श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करेंगे, ये देखो हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं, इस जगह सिंपल सा, इस जगह मिडल में मैंने इसको लगा दिया, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल लगा देते हैं। उसी तरह अब मुझे लिखना है वो वाला जो लिखा हुआ है, फिर से यहाँ से पहले आप लिख लें जो जो मैटर चाहिए, काम करने में आसानी होता है। लोकप्रिय किराना एंड जनरल स्टोर लिखा हुआ है, तो इसको फिर से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से नोट पैड में लिखा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद अपने यहाँ पे नया पेज, यहाँ पे नया एक लेयर पे क्लिक करेंगे, ये नया लेयर लिया मैंने, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर अपना पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे ये टूल पे क्लिक करने के बाद फिर अपना पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्सर आ गया, एडिट में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पहले से फॉन्ट था तो ऑटोमेटिकली ये फॉन्ट ले चुका है, तो दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए एक बार जब मैंने यूज़ किया तो वही शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा इसको मुझे लगा देना है, इसको अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए इसको सिंपली यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। सिंपल सा डिज़ाइन है, देखिए खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे लगा हुआ है। फ़ोटो को हम लोग बाद में थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ये मैं इसको तो मिडिल पॉइंट में लगा दिया, फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा फ़ोटो को भी सही करेंगे, फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे लगा देंगे तो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया, अप्लाई कर दिया, ये हो गया। देखिए इस तस्वीर को भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, थोड़ा देखने में ये अच्छा लगेगा, ये देखिए यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिंपली इसको बड़ा कर दिया। अब ये डिज़ाइन थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लग रहा है, ये थोड़ा डिज़ाइन ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लिक करेंगे। अब इसको भी क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं या थोड़ा सा ऐसे पतला ऐसे लंबा कर देते हैं, तो देखने में डिज़ाइन को कोशिश करें कि हमें इसे एक ही लेवल में रहे, जैसे ये डिज़ाइन एकदम इसी लेवल में होना चाहिए, ये डिज़ाइन थोड़ा सा ऊँचा जाएगा तो देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग ले लेते हैं, इतना ले लिया, ये बन गया, सिंपल सा डिज़ाइन है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। अब ये जो लोकप्रिय लिखा हुआ है इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, तो जिस लेयर पे ये लिखा हुआ है जैसे ये वाला पे क्लिक करके देखेंगे, ये वाला पे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके पहले देख लेते हैं किस पे है, ये वाला लेयर पर ये वाला है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर देंगे। तो इसमें कलर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से भी अब क्लिक किया मैंने, जैसे इसको रेड लेना है तो रेड पे क्लिक करेंगे, ये ओके कर दिया, ये देखिए रेड आ चुका, देखने में भी बुरा नहीं लग रहा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको स्ट्रोक दे देते हैं, तो देखने में देखिए अच्छा लगेगा। स्ट्रोक कैसे देंगे, इसको सिलेक्ट रखिए, जिस लेयर पे लिखा हुआ है यहाँ नीचे, यहाँ पे ऐड लेयर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए स्ट्रोक दे देंगे तो थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा, देखिए जितना मोटा आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, इतना मोटा ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक रेड कलर है तो रेड कलर से स्ट्रोक दे दिया, देखने में अच्छा लगे। दूसरा भी स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ब्लैक देता हूँ तो देखिए ब्लैक ठीक नहीं, लो वाइट देंगे तो थोड़ा सा वो भी अच्छा लग रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। रेड दे दिया, ओके कर दिया, ये देखिए मैंने इसमें रेड दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा शैडो इफेक्ट दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा, या इसको बेबल इम्पोज कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से क्लिक करके मैं ऐड लेयर पर गया, यहाँ से बेबल इम्पोज पे क्लिक किया मैंने, सिंपल सा देखिए यहाँ पे। उसके बाद बेबल इम्पोज का इस तरह का आया, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग इम्पोज करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा, नहीं इम्पोज भी ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पे पिलो इम्पोज करेंगे तो थोड़ा ऐसा लग रहा, साइज़ थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से डेप्थ थोड़ा बढ़ाते हैं, ये देखिए डाउन करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से अच्छा लग रहा, बुरा नहीं लग रहा है, ये देखिए इतना ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा खिला हुआ थोड़ा नज़र आएगा, अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो स्ट्रोक इम्पोज करके देखते हैं, तो बढ़ाते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। आउटर बेबल करते हैं, ये ठीक है आउटर बेबल, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है, खिला हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए ये ठीक लग रहा है, सिंपल सा डिज़ाइन। इसमें और भी ज़्यादा कुछ करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आउटर ग्लो दे देते हैं, देखिए यहाँ पर आउटर ग्लो मैं लगा देता हूँ तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको वाइट कर देते हैं, पूरा इधर से ले जाते हैं, वाइट कर दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्प्रेड बढ़ाते हैं, ये देखिए वाइटनेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका वाइटनेस आएगा तो देखने में थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ, ये देखिए ये देखने में थोड़ा सा खिला हुआ देख सकते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा, सिंपल सा डिज़ाइन है। देखिए तो जितना आपको अच्छा लगे आप उतना कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही कीजिएगा, और भी इसको अट्रैक्टिव कर सकते हैं आप। ये सिंपल सा मैंने थोड़ा सा वाइट दे दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, प्रोपराइटर का नाम देना है तो आप दे सकते हैं सिंपल से। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इस जगह पे एक नया लेयर ले लिया यहाँ पे, ये यह देखिए मैं नया लेयर एक लेता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है तो यहाँ पे रेड में तो ब्लैक में ही देते हैं, या यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक किया। अब फॉन्ट जो है थोड़ा फॉन्ट कुर्ती देव नहीं चाहिए, जनरली मोबाइल नंबर सब इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो यहाँ पर एरियल मैं क्लिक किया और यहाँ पे साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 60 किया मैंने। यहाँ पे लिखता हूँ MOB कर दिया, उसके बाद कॉलन दे दिया, उसके बाद एक हाइफन देखें, यहाँ पे नंबर जो भी रहेगा जैसे 99 यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 99, ये देखिए नंबर दे दिया मैंने लेकिन बहुत दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बड़ा कर देते हैं कंट्रोल टी करके, थोड़ा सा इसको स्केलिंग कर देंगे। ये देखिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, हर दुकान में मोबाइल नंबर प्रोपराइटर का नाम यहाँ पे लगा हुआ रहता है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसको ब्लैक कर देने से अगर ब्लैक अच्छा लगता है तो ब्लैक लगाएंगे, बहुत बड़ा लग रहा है तो यहाँ से ब्लैक, यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से इसका देखिए कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ओके ये देखिए चेंज कर देते हैं। ये ज़्यादा मोबाइल वगैरह में ज़्यादा ये मतलब ज़्यादा ये ना करें, फॉन्ट ना चेंज, सिंपल सा आप रखें जैसे कि नंबर है, ये देखिए सिंपल सा। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर हटाते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ इसको थोड़ा सा मोबाइल नंबर है थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, एरो की से ऊपर ले जाइए, हो गया सब कुछ देख सकते हैं। सिंपल सा डिज़ाइन है, देखिए सिंपल सा डिज़ाइन बनके यहाँ पे तैयार हो गया। थोड़ा सा गणेशाय नमय यहाँ पे लिखा हुआ है, गणेशाय नमय का थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाते हैं, ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर देंगे, इसको हल्का सा ठीक है, ये देखिए नहीं थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, तो भगवान का नाम है थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब रहा सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ सब कुछ देख लिया, लोकप्रिय किराना एंड जनरल स्टोर, मोबाइल नंबर देख दिया, यहाँ पे सब कुछ लग गया है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग,
अब इसको थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा इसको इन्हेंस करेंगे। इन्हेंस करने का मतलब इसको तो क्वालिटी थोड़ा सा और ज़्यादा निखर कर आए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए सबसे ऊपर वाला लेयर याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करें, एक नया लेयर यहाँ पर क्रिएट कर दें, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए मर्ज बोल के ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मर्ज विजिबल, तो शिफ्ट कंट्रोल ई, तो मैं क्या करूँगा ये वाला नहीं यूज़ करके इसके साथ एक ऑल्ट की भी जोड़ दीजिएगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा। तो ये सारा का सारा क्या होगा, नीचे लेयर रहेगा लेकिन एक नया लेयर बन जाएगा और उसमें सारा मर्ज किया हुआ सारा ये सब रहेगा। तो जब आपको हटाने का जरूरत पड़ेगा सिंपली उसी लेयर को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको या तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप देखिए कंट्रोल, देखिए मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई लेटर ई प्रेस किया, देखिए प्रेस कर दिया, एक देखिए नया लेयर यहाँ पे बन गया, मतलब सब मर्ज होके एक नया लेयर यहाँ पे ऑल्ट दबा देने से। और अगर सिंपली आप यहाँ पे लेयर में जाके अगर सिंपली आप यहाँ पे मर्ज विजिबल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई कीजिएगा तो सारा का सारा क्या होगा, सब एक साथ मर्ज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है उसके साथ ऑल्ट की ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ है कि सारा मर्ज होके एक नया लेयर पे यहाँ पे मर्ज हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस का बढ़ा देते हैं। ये देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा लग रहा है तो ब्राइटनेस रहने देते हैं, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए इससे क्या हुआ, तो कंट्रास्ट बढ़ेगा, देखिए मेरा डिज़ाइन देखिए तो खिला खिला आपको नज़र आएगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए थोड़ा सा खिला खिला आपको यहाँ पे कंट्रास्ट, अगर जितना कंट्रास्ट बढ़ाएंगे ये देखिए थोड़ा सा लगेगा एकदम खिला खिला नज़र आएगा आपको कलर। इसके बाद ओके पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये बन गया। अब इसका आउटपुट हमें निकाल के देखते हैं कि हाँ भाई ये जो डिज़ाइन बनाया है कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप बॉर्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिंपल सा आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। फाइल में जाते हैं, यहाँ पे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, हो गया, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आया। अब कहाँ पे सेव करना, ग्रॉसरी नाम का फोल्डर है, देखिए किराना दुकान, यहाँ पे JPG, यहाँ पे चूज़ किया JPG और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। फिर एक ऑप्शन आएगा JPG क्वालिटी 12 जी, लार्ज साइज ओके, बेस ये सब सब ठीक, मैक्सिमम कर दीजिए। अब ओके पे क्लिक कर देंगे, ये बन के तैयार हो गया। अब थोड़ा सा इसको बाहर हम लोग निकल के देखते हैं कि हाँ भाई हुआ है कि नहीं। फॉर PNG इमेज नाम से फ्री PNG इमेज है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ग्रॉसरी नाम है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पे देखिए किराना दुकान का डिज़ाइन बना हुआ है JPG फॉर्मेट में, राइट क्लिक किया। अब इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे भाई कि हाँ डिज़ाइन कैसा लग रहा है, बनाने का तो बना दिया हम लोगों ने, अब थोड़ा डिज़ाइन हम लोग देख लेते हैं। देखिए लोकप्रिय किराना एंड जनरल स्टोर देख सकते हैं, खूबसूरत सा देखिए कितना खिला खिला देखिए हम डिज़ाइन नज़र आ रहा देख सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा देखिए इस तरह से आप भी इस तरह का डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, तो सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई मुश्किल नहीं है, तस्वीर देख के भी आदमी समझ जाएगा कि भाई क्या चीज़ का दुकान है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो उस रिलेटेड आप तस्वीर अवश्य रखें डिज़ाइन में अपना, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग लोकप्रिय किराना किराना एंड जनरल स्टोर का बैनर कैसे बनाते हैं सिंपल और इजी तरीके से। आप भी बनाइए, और एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस वेबसाइट से मैंने ये तस्वीर लिया है ये PNG इमेजेस है, इमेजेस और ग्रॉसरी आपको लिखना होगा। दूसरी बार वेबसाइट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है www.freepngimg.com, वहाँ जाकर ग्रॉसरी लिखिएगा, बहुत सारा आपको इस तरह तस्वीर आपको मिल जाएगा, यूज़ कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।